नमस्कार, आप देख रहे हैं मार्केट टाइम्स टीवी। मैं हूं आपके साथ शालिनी श्रीवास्तव। सिलसिला बाजारों का मैं आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे नॉन एग्री और एग्री कॉमोडिटी की कि किस कॉमोडिटी में तेजी बनेगी या मंदी देखने को मिलेगी। तो चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं नॉन एग्री कॉमोडिटी की। हमारे साथ इस पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गई है मार्केट टाइम्स टीवी की मैनेजिंग एडिटर रूपा मेहता जी। तो नॉन एग्री कॉमोडिटी में बात करें सबसे पहले हम सोने चांदी की, तो आज MCX पर सोना जून 1822 डॉलर के आसपास कारोबार कर रहा है और वहीं MCX पर चांदी 21 डॉलर के ऊपर कारोबार कर रही है। तो रूपा जी, पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है मार्केट टाइम्स टीवी पे। तो रूपा जी, आगे कैसा रहेगा सोने चांदी का बाजार? देखिए, सोने चांदी में एक बार फिर से तेजी का माहौल जो है वो बनता हुआ दिखाई दिया है। एक बार फिर से रौनक लौटी है कल की गिरावट के बाद। आज एक बार फिर से सोना 50,000 से ऊपर निकलता हुआ दिखाई दे रहा है। देखिए, लॉन्ग टर्म तो अभी भी मार्केट में पॉजिटिव ही है सोना और चांदी, लेकिन वही डॉलर में अगर तेजी देखने को मिलती है तो सोने में थोड़ा प्रेशर बनता हुआ दिखाई दे जाता है। लेकिन अभी नीचे से सपोर्ट लेवल से सोना ऊपरी स्तरों पर जाता हुआ दिखाई दे रहा है। तो यहाँ से माना जा रहा है कि नीचे की जो रेंज है वो 49,800 से लेकर ऊपर में 50,600 से लेकर 50,800 तक की बनती हुई दिखाई दे रही है। आज इंट्राडे की अगर बात करें तो ऊपर में 50,600 तक के स्तर एक बार एक्सपेक्टेड है कि देखने को मिल सकते हैं। वहीं अगर इंटरनेशनल मार्केट्स की बात करें तो 1830 डॉलर से 1840 डॉलर तक की रेंज अपसाइड में जाती हुई दिखाई दे सकती है। वहीं चांदी भी 22 डॉलर तक के लेवल को छूती हुई नजर आ सकती है। और डोमेस्टिक मार्केट में चांदी में काफी अच्छी अपॉर्चुनिटी है बाइंग के लिए, और चांदी एक्सपेक्टेड है कि यहां से 62,000 से लेकर 65,000 तक की अपसाइड मोमेंटम दिखा सकती है। जी, अगर हम बात करें कच्चे तेल की, तो आज क्रूड ऑयल में 1.5% की गिरावट के साथ ये 111 डॉलर के आसपास कारोबार करता दिखा है। तो कच्चे तेल का बाजार आगे कैसा देखने को मिलेगा हमें? कच्चे तेल में भी रुझान जो है वो तेजी का ही है, फंडामेंटल इसका भी सपोर्टिव है और आगे चलकर बाजारों में तेजी बनी रह सकती है। अभी छुटपुट गिरावट जरूर देखने को मिली है, कल के मुकाबले देखें तो कच्चा तेल हल्का सा लाल रंग के साथ कारोबार करता दिखाई दे रहा है विदेशी बाजारों में भी और घरेलू बाजारों में भी। लेकिन ट्रेंड अभी भी पॉजिटिव है, 110 डॉलर के ऊपर सस्टेन है। तो यहाँ से कच्चे तेल में बाइंग की ही अपॉर्चुनिटी दिखाई देती है और एक बार लग रहा है कि कच्चा तेल 1800 से लेकर 9000 का स्तर घरेलू बाजारों में दिखाता हुआ नजर आ सकता है। तो मुझे लगता है कि कच्चे तेल में भी रणनीति जो है वो बाइंग की रखनी चाहिए और आगे चलकर इसमें तेजी बनी रह सकती है, क्योंकि अभी डिमांड आगे और पिकअप होती हुई नजर आ सकती है। और इसके चलते बेस मेटल का जो रेंज बनता दिखाई दे रहा है नीचे में 90 तो ऊपर में 120, तो फिलहाल इस रेंज में फिलहाल कारोबार देखने को मिल सकता है। जी, तो जैसा रूपा जी ने बताया कि कच्चे तेल में आगे हम बाइंग करके चल सकते हैं, आगे तेजी भी देखने को मिल सकती है। अगर हम बात करें नेचुरल गैस की, तो नेचुरल गैस MCX पर ये 627 के पार कारोबार कर रहा है। तो रूपा जी, आपको क्या लगता है नेचुरल गैस की कीमतें आगे कहाँ तक जाएंगी? नेचुरल गैस में भी तेजी का रुझान है और नेचुरल गैस में भी हम एक्सपेक्ट करें कि 640 से 660 का स्तर देखने को मिल सकता है और हाल फिलहाल के अंदर 640 के स्तरों के लिए इसमें बाइंग पोजीशन में रहा जा सकता है। स्टॉप लॉस जो रहेगा यहाँ पर 600 के स्ट्रिक्टली स्टॉप लॉस के साथ इसमें बाइंग करके चल सकते हैं। जी रूपा जी, अगर बेस मेटल्स पे नजर डालें और बेस मेटल्स की बात करें, तो आज कॉपर 763 पर कारोबार कर रहा है और जिंक 314 पर कारोबार करता दिख रहा है। तो आज बेस मेटल में तेजी बनी हुई है, आपके हिसाब से बेस मेटल का बाजार आगे कैसा देखने को मिल सकता है? देखिए, बेस मेटल में भी पॉजिटिव रुझान है और चाइना की तरफ से अभी थोड़ा सा डिमांड जो है वो थोड़ा सा हैम्पर होती दिखाई दी थी, जिसकी वजह से लगातार प्रेशर बनता हुआ बेस मेटल्स के ऊपर भी दिखाई दिया था। सभी बेस मेटल्स में गिरावट देखने को मिली थी, लेकिन अभी एक बार फिर से मार्केट जो है संभलते हुए नजर आ रहे हैं और वापिस से खरीदारी लौटी है। तो यहाँ से अगर बेस मेटल की बात करें तो बेस मेटल में तेजी बनी रह सकती है और ऊपर में जो रेंज दिखाई दे रही है नीचे 740 से लेकर 760 ऊपर मैक्सिमम अपसाइड 780 तक एक बार लग रहा है कॉपर का जा सकता है। वहीं जिंक की बात करें तो जिंक 300 से लेकर 320 की रेंज में घूमती हुई दिखाई दे सकती है। ओवरऑल ट्रेंड पॉजिटिव है, हर करेक्शन पर इसमें बाइंग की तरफ अपनी लॉन्ग टर्म पोजीशन बनाकर चला जा सकता है। शॉर्ट टर्म में भी आज इंट्राडे में बाइंग करके चला जा सकता है। जी, तो बेस मेटल्स में आगे तेजी देखने को मिल सकती है जैसा कि रूपा जी ने बताया। तो रूपा जी, आपसे मेरा आखिरी सवाल है आज नॉन एग्री कॉमोडिटी में कि इंट्राडे के लिए क्या करके हमें चलना चाहिए? देखिए, इंट्राडे के अंदर आज मुझे लगता है कि क्रूड में ही बाइंग की रणनीति लेनी चाहिए, क्रूड में बाय करके चल सकते हैं और उसी के साथ सोने और चांदी में भी खरीदारी करके चला जा सकता है। जी,